ठीक, ये बात हो गई। इसी तरह जो है इस्तिखारा किस वक्त किया जाए, ये बड़ा अहम सवाल होता है। और हमारे पास तो इंडिया पाकिस्तान में एक वक्त ख़ास है, इशा की नमाज के बाद बिना किसी से बात किए के, जा नमाज पे इशा पूरी पढ़ने के बाद, वितर को ख़त्म करने के बाद, दो रकात नफिल पढ़कर इस्तिखारा की दुआ करके जा नमाज पे ही सो जाना। तो फिर आएंगा रात में आपको हसीन ख्वाब, उस ख्वाब में आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका हीरो है नहीं है, ये हीरोइन सूटेबल है नहीं, मतलब जो बीवी मतलब लड़का है लड़की के लिए कर रहा है इस्तिखारा की शादी के मामले में, लड़की है जो उसके लिए इस्तिखारा हो रहा है कि वो लड़का दुरुस्त है नहीं है, तिजारत के लिए कर रहे हैं, तो वहां सो जाना बगैर बात किए कि बात किए इस्तिखारा टूट गया, तो बेचारा वहां इस्तिखारा कर रहा, बीच में कोई आके बच्चा है और अम्मी फला चीज दो, इस्तिखारा चल रहा ना अम्मी का, बेचारा शोहर परेशान रहा था बच्चों को संभाल रखे, तो बीवी ने इस्तिखारा की ना रात में, अब संभाल नहीं सकती बच्चों को, ये हमारे पास का इस्तिखारा है। याद रखिए इस्तिखारा का कोई ख़ास तरीक़ा साबित नहीं सिवाय दो रकात के बाद दुआ, कोई ख़ास वक्त साबित नहीं, कोई ख़ास वक्त साबित नहीं। कभी भी जब आपको लगे दो रकात नफिल पढ़िए, दुआ इस्तिखारा पढ़ लीजिए, कोई ख़ास रात, कोई ख़ास दिन, कोई इशा के बाद, कोई फजर के बाद, कोई तहज्जुद के बाद, कुछ नहीं। हाँ, दुआ की कबूलियत के जो औकात होते हैं उन औकात में मैं कहूँगा मुस्तहब है, पसंदीदा होगा, क्यों? इसलिए कि इस्तिखारा भी एक दुआ है, तो दुआ कबूलियत के वक्त में करना ज़्यादा बेटर है। इस्तिखारा चूंकि एक दुआ है तो दुआ कबूलियत के वक्त में करना बेटर है, लेकिन ये कभी भी किया जा सकता है। दुआ कब कब कबूल होती है, अल्लाह कब कब जल्दी कबूल करता है, वैसे दुआ हर दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे जहाँ अल्लाह पसंद करता है, उसमें सबसे पहला है रात का तीसरा पहर, सह पहर, थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट, जिसको हम बोलते हैं ये सहर का वक्त जो होता है, सबसे अफजल वक्त है इस्तिखारे का। क्यों? इसलिए कि वो सबसे अफजल वक्त है दुआ की कबूलियत का, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप बोलेंगे अब तुमने कौन से लाइज की दलील, कोई दलील नहीं मेरे पास, चूंकि इस्तिखारा एक दुआ है लिहाजा दुआ जब कबूल होती है उन औकात में सो करना, मैं कह रहा हूँ बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो रात का आखिरी पहर, तीसरा, अजान और इकामत के बीच, चूंकि ये तो आम बात है कि अजान और इकामत के बीच अल्लाह दुआ कबूल करता, जुमे के दिन एक खास घड़ी होती है वहाँ उस टाइम भी कर सकते हैं। इसी तरह बारिश होते वक्त, क्योंकि हदीस में बारिश जब होती है अल्लाह की रहमत बरसती है, उस वक्त इंसान दुआ कर सकता है, इस्तिखारा भी एक दुआ है। इसी तरह जो है रोजे की हालत में, इसी तरह सफर की हालत में, इसी तरह अरफे के दिन नवज़िल हिज्जा, इसी तरह जो शब कद्र उसमें भी कबूल करता है ना, और भी कई घड़ियाँ हैं, मैंने बस एक गिने चुने नाम के लिए ताकि आपके सामने आ जाए। तो इस्तिखारा कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जिन औकात में दुआ कबूल होती है इस्तिखारा चूँकि एक दुआ, उन औकात में इसको भी किया जा सकता है। अब इस्तिखारा के ममनू औकात क्या है, कब नहीं?